सोमनाथ मंदिर और पास में ही है वॉकिंग डिस्टेंस पे ये सोमनाथ बीच। आपको अहमदाबाद बीच में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही दिल्ली जा सकते हो। श्री कृष्ण भगवान को पाँव में लगा उसकी मृत्यु हुई, यहाँ से बाण छोड़ा, इसलिए जगह का नाम पड़ा बाणगंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी प्रियंका, ट्रैवल विद एक्स वाई जेड चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो अभी हम खड़े हैं सोमनाथ में। जैसे कि आप सब जानते हो कि टेम्पल्स में मोबाइल्स वगैरह अलाउ नहीं है, तो हमारा दर्शन हो गए। बहुत अच्छा मंदिर है, एकदम समुंदर के बीच में है सोमनाथ मंदिर। और जब भी आप द्वारकादेश धाम करने आए तो आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ज़रूर कर सकते हैं, सब सारे एक साथ साथ में हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे काउंटर्स लगे हुए हैं, इस तरह से यहाँ पे करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है फ़ोन वगैरह बैग्स वगैरह। टेंपल के अंदर कुछ भी अलाउ नहीं है, तो इस तरह से है सारा दृश्य। फिलहाल टेंपल बहुत सुंदर है, लेकिन वहाँ पे मतलब फ़ोन अलाउ नहीं है, तो टेंपल का इवन फ़ोटो तक हम नहीं ले पा रहे। तो ये काफ़ी दूर पहले ही इन्होंने ऐसे काउंटर्स वगैरह लगा दिए हैं जहाँ पे सारा कुछ ले लेते हैं सामान वगैरह। तो यह प्यारा सा दृश्य सोमनाथ टेंपल के पास का। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, द्वारकादेश टेंपल से सोमनाथ टेंपल का डिस्टेंस है 4 आवर्स और 236 किलोमीटर बाय रोड जाओगे। तो अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन घुर के जाती है, रात को 9 बजे ट्रेन स्टार्ट होती है और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, हमने जो होटल बुक करी थी, स्वागत होटल के जस्ट सामने ही है मंदिर। तो अभी हम सोमनाथ में खड़े हैं और इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और अभी हम जा रहे हैं बीच, देखिए सनराइज हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। देखिए यहाँ पे है बीच, तो बीच की ओर हम जा रहे हैं, वहाँ से शायद हम मंदिर और नज़दीक से देख पाएंगे, तो लेट्स गो। तो ये समुंदर बहुत ही बड़ा समुंदर है और एकदम इस समुंदर के बीच में ही सोमनाथ मंदिर बना हुआ है। तो कल तो हमने दर्शन कर लिया था, आज जा रहे हैं वापस सोमनाथ से, तो सोचा जाते जाते यहाँ पे बीच पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके जाए। यहाँ पे ही है सोमनाथ मंदिर और पास में ही है वॉकिंग डिस्टेंस पे ये सोमनाथ बीच। इस बीच का नाम है सोमनाथ बीच। और अभी हम यहाँ पे सुबह 5 बजे आ गए हैं, लेकिन इतना अच्छा, इतना पीजन, इतना मज़ा आ रहा है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। अभी करीबन 8 बजे ही है, बहुत यहाँ पे मस्ती करी, नहाए, स्नान करा, हॉर्स राइड है, कैमल राइड है। तो जब भी आप सोमनाथ टेम्पल पर आए दर्शन करने के लिए, तो इस बीच पर आप ज़रूर आए, स्नान करें। तीर्थ स्थान कहते हैं, तीर्थ स्थान के बिना कहते हैं ना मंदिर का दर्शन अधूरा होता है, तो इस तरह से आप आए जरूर। तो सोमनाथ बीच में आपको एडवेंचर करने के लिए कैमल और हॉर्सेस मिलेंगे, बाकी जैसे जेट वगैरह होते हैं वो सारे एडवेंचर्स यहाँ पे नहीं है जैसे गोवा में होते हैं, बट यहाँ पे भी आप आके आप मनोरंजन कर सकते हैं। तो मात्र 100 रुपये में आप ले सकते हो यहाँ पे कैमल राइड प्लस हॉर्स राइड, और बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरा बीच घुमाते हैं, पूरी एरिया का ये कवर करते हैं और वापस आपको एकदम अच्छे से लाके छोड़ देते हैं। तो बहुत ही अच्छे लोग थे यहाँ के और हमने इस बीच में बहुत मज़ा किया। और जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे कैमल्स और हॉर्स आपको मिलेंगे। गोवा जैसे एडवेंचर्स तो नहीं थे, लेकिन और जो मंदिर था बिल्कुल एकदम बीच के पास में था, तो कोई भी जैसे इंस्टाग्रामर या यूट्यूबर को वीडियोज़ बनाना होता है, तो अगर आपको मंदिर कवर करना है तो आप इस बीच पे आके कवर कर सकते हो। फैमिली बीच है, देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो हमने भी सोचा कि चलो हॉर्स राइड करी जाए। तो पहले हम चला के देखते हैं इस हॉर्स को कि ये घोड़ी मुझे रास्ते में बीच में परेशान तो नहीं करेगी, तो ज़रा हम पहले इस घोड़े को अपनी फ्रेंड बना ले, घोड़ी है या घोड़ा पता नहीं, तो इसको हिला के देखते हैं कि अगर नाटक नहीं करेगी। अच्छी खासी सुधी सादी घोड़ी है, तो इस घोड़ी को ले कर हम बीच पर करेंगे हॉर्स राइड पानी के बीच में। तो अब हम जा रहे हैं जहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है, और भी इस वीडियो में काफ़ी कुछ है, जहाँ पे श्री कृष्णा जी को तीर लगा था, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत ही रोमांचक। तो ये जो घाट है, यहाँ पे कपिला, हिरण और सरस्वती, 3 रिवर का मिलन है। तो 3 नदियाँ एक साथ मिलती है, तब जाके ये प्यारा सा खूबसूरत सा घाट बनाया। नीले पानी में सफ़ेद सफ़ेद बत्तख, ये बिल्कुल सोमनाथ बीच के एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। नाउ जस्ट लिसन द नेचर वाइब्स, क्रीपिंग ऑफ बर्ड्स। तो
मकर आयु तो हमने 400 रुपये में ऑटो बुक किया था जो कि हमें होटल से पिकअप कर लिया था और सोमनाथ की ये छोटे छोटे डेस्टिनेशन हमें अच्छे से कवर कराया, प्लस उन्होंने गाइड भी किया कि कौन सी जगह क्या है, क्योंकि आप अकेले अगर स्कूटी लेके जाओगे घूमोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि यहाँ क्या हुआ था वहाँ क्या हुआ था, तो यहाँ के रहने वाले लोकल ही बता सकता है। तो दोस्तों अगर आप सोमनाथ आए हो तो गीता मंदिर आके श्री कृष्णा जी के दर्शन जरूर करें। यहाँ पे श्री कृष्णा का अंतिम संस्कार हुआ था और थोड़े ही वारकला में उनका तीर लगा था और यहाँ पे हुआ था अंतिम संस्कार, और उनके भाई बलराम यहाँ उन्होंने उनका अंतिम संस्कार करा और खुद नाग देवता बन के पाताल में समा गए थे। तो ये है वो जगह जहाँ पे श्री कृष्णा का अंतिम संस्कार हुआ था, ये मंदिर है, इसका नाम है गीता मंदिर। यहाँ पे बीच में लगा हुआ है कृष्णा जी के पाँव, तो वहाँ पे हम जल अभी शेक कर सकते हैं। सोमनाथ आए तो ज़रूर यहाँ पे आके गीता मंदिर में श्री कृष्णा जी के दर्शन करें। तो यहाँ पे हमने जल अभिषेक किया था, कृष्ण जी के पाँव हैं यहाँ पे। तो आइए दोस्तों आज हम आपको हिंदू धर्म के उस स्थान को दिखाते हैं जहाँ पे श्री कृष्ण जी को वाण लगा था, और उस जगह को भी दिखाते हैं जहाँ से श्री कृष्ण जी को वाण लगाया गया था। आप नज़ारा देख सकते हो, हमारा सोमनाथ पूरी तरह से चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है, और ये जो वाइट वाइट पास में रखा हुआ है ये समुंदर के पानी को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए लोकल के मुंह से सुनते हैं ये सारी हिस्ट्री। ये बाण गंगा है, यहाँ से बाण छोड़ कर श्री कृष्ण भगवान को बालू का टिप में लगा था। जो बाण छोड़ने वाला था उसका नाम था भील, तो भील है वो पिछले जन्म में वाली था, वाली वो सुग्रीव का युद्ध हुआ था तब श्री राम भगवान ने उसका बदला लेने के लिए वो इस जन्म में भील बन गया, वो यहाँ से शिकार कर रहा था, और श्री कृष्ण भगवान यदुवंश कुल का नाश हुआ था उसके युग में पीपल के पेड़ के नीचे बालू का टिप में लेते थे। जो शिकारी था वो कृष्ण भगवान को मारना नहीं चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के पाँव में पद्म था जो हिरण की आग जैसा चमक रहा था, उसने हिरण चमक के तीर छोड़ा तो श्री कृष्ण भगवान को पाँव में लगा, उसकी मृत्यु हुई। यहाँ से बाण छोड़ा इसलिए जगह का नाम पड़ा बाण गंगा, और बाल का तीर बालू का तीर भील नाम के शत्रु के सबसे उस जगह का नाम पड़ा बाण का तीर। गांधारी के शराब के अनुसार यादव वंश आपस में लड़कर मर जाएंगे, तो ये होने के बाद में श्री कृष्णा जी एक पेड़ के पीछे समाधि लेके बैठ गए थे। तो यहाँ पे शिकारी अपना तीर निकाल के शिकार कर रहे थे, उन्होंने एक हिरण देखा और हिरण समझ के उन्होंने श्री कृष्णा जी के पाँव पे वाण चला दिया था। तो आइए चलते हैं हम उसी स्थान को देखने के लिए जहाँ पर श्री कृष्णा जी ने अपनी आखिरी सांसें ली। तो ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कृष्णा जी ने अपना अंतिम सांस लिया था, यहाँ पे इनको वाण लग गया था, वहाँ से किसी राजा ने तीर मारा था और यहाँ पे कृष्णा जी का तीर लग गया था और वो उनका अंतिम संस्कार हो गया था यहाँ पे। तो अभी वहाँ पे ये मंदिर बना दिया है जो कि सोमनाथ में है। तो सोमनाथ में मेन मंदिर के साथ साथ में ऐसी छोटी छोटी जगह और भी है जहाँ पे आप आइए, और खूबसूरत यहाँ की हिस्ट्री है, मतलब कृष्णा जी का अंतिम संस्कार का ये प्लेस है, अंतिम संस्कार मतलब तीर लगा था उसी का जगह है ये। तो सोमनाथ में हमारे सारे मंदिर के दर्शन हो गए अच्छे से, और अब हम जा रहे हैं दिल्ली की ओर। तो अगर आपको सोमनाथ से दिल्ली जाना है तो आपको अहमदाबाद बीच में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही दिल्ली जा सकते हो, मतलब अहमदाबाद टू दिल्ली ही जा सकते हो। तो अभी हम जबलपुर एक्सप्रेस में जा रहे हैं सोमनाथ टू अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से हम ट्रेन लेंगे दिल्ली की ओर। चलिए चलते हैं, सब स्टार्ट करते हैं। तो सब मिलके बोला जय श्री कृष्ण हर हर महादेव। जैसे कि दोस्तों सोमनाथ सब आते हैं, और यहाँ पे रेलवे स्टेशन अगर आपको आना होता है तो भीलावर रेलवे स्टेशन आना पड़ता है, क्योंकि सोमनाथ रेलवे स्टेशन अभी कंस्ट्रक्शन में है और 130 करोड़ वहाँ पे अभी लग रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो सोचो एयरपोर्ट से भी ज़्यादा सुंदर रेलवे स्टेशन बनने वाला है हमारे भारत में, वो है जगह सोमनाथ, वही तीर्थस्थल है। तो आने वाले टाइम में सितंबर के बाद में आप सोमनाथ रेलवे स्टेशन
अभी तो फिलहाल अभी के टाइम तक वृंदावन स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। सोमनाथ अगर जाना है या सोमनाथ से अगर आना है रेलवे स्टेशन में तो वो जंक्शन है वृंदावन स्टेशन। तो दोस्तों अगर आप जबलपुर से हो या इंदौर से हो तो आपको मिलती है यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन सोमनाथ से, तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए वो सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग को दर्शन करिए और यहाँ का जो प्लीजेंट वेदर और जो हिस्ट्री है यहाँ की जगह को जानिए। तो अब मुझे तो लग रही है तगड़ी वाली भूख, तो देखते हैं छोटी छोटी दुकानों में क्या है कुछ खाने को मिल जाए। अभी हुआ है आफ्टरनून का टाइम और हमें पहुंचना है अहमदाबाद, तो यहाँ से कुछ लेके चलते हैं। गुजरात आए और यहाँ पे ढोकला फाफड़ा नहीं खाया तो कुछ नहीं किया, तो यहाँ से हमने ये परांठे पैक करवाए, ट्रेन के अंदर खाए परांठा, तो बहुत टेस्ट था, बहुत अच्छा था और बहुत जल्दी ये पहुंचा देती हमें अहमदाबाद, और अहमदाबाद से हम ट्रेन करेंगे दिल्ली की ओर। तो इस तरह से आप देख सकते हो व्यू कैसा है सोमनाथ का, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा लगेगा जैसे साउथ में हम मुनार एलएपी वगैरह नहीं घूमते, थोड़ा सा लुक वैसा लगे। तो सोमनाथ बीच में हमारे साथ क्या कांड हुआ था आइए हम बताते हैं कि क्या हुआ था और कुछ मेरा हॉट एंड सेक्सी डांस इस बीच पे देखते हैं आइए। ये है सोमनाथ का खूबसूरत बीच जो कि एकदम मंदिर के एकदम मंदिर बीच में और बीच साइड में है और अभी सरप्राइज हुआ है देखिए ब्लू वाटर बीच ब्यूटीफुल नजारा यहाँ पे लगा हुआ है हनुमान जी का मूर्ति। जय हनुमान फूल वगैरह सारा सब कुछ है ब्यूटीफुल एडवेंचर मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। मीट अस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। कीप ऑल लविंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। लव यू ऑल। बाय बाय।